क्लास 7 मैथ आइडियाज का चैप्टर नंबर 7 कल पढ़ाया गया था, ठीक है। उसी का आज एक्सरसाइज सॉल्व करना है, जो एक्सरसाइज है 7.1। उसका जो पहला क्वेश्चन है, अरे आइडेंटिफाई दी फॉलोइंग जैविक इंप्रेशन, ठीक, मोनोमिनियल्स, बाइनोमियल्स, ट्रिमिनियल्स और क्वाड्रिनियल्स, ये सब क्या करना है, छांटना है कि कौन मोनोमिनियल्स है, कौन बाइनोमियल्स है, ठीक। तो आपको बताया थे कि जिसमें वन टर्म होता है वो मोनोमिनियल्स होता है, जिसमें दो टर्म होता है वो बाइनोमियल्स होता है, जिसमें तीन टर्म होता है ठीक वो ट्रिमिनियल्स होता है। ऐसे पहला का जो पहला है दिया है ए स्क्वायर, ठीक, इसमें क्या है ओनली वन टर्म है, वन टर्म है ना, इसलिए क्या हो जाएगा, ये मोनोमिनियल्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा मोनो, क्या हो जाएगा मोनोमिनियल्स हो जाएगा। इसी प्रकार इसका जो दूसरा है वो दिया है क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसमें क्या है ओनली टू टर्म, क्या हो जाएगा बाइनोमिनियल्स हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा बाइनोमिनियल्स हो जाएगा, ठीक। इसी प्रकार ये सब इसको छांटना है, आप छांट सकते हैं, ठीक। अब आ रहा है दूसरा क्वेश्चन कि राइट द आर टर्म ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्जेब्रिक इक्वेशन, इसका जो अल्जेब्रिक इक्वेशन उसका हर टर्म को लिखना है। पहला दिया है 3x, ओनली वन टर्म है, इसका आंसर 3x ही होगा, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। दूसरा जो दिया है इसका, दूसरा जो दिया है वो लिखा है 2x माइनस 3, इसका टर्म निकालने के लिए लिखेंगे 2x माइनस 3, ठीक है, इस प्रकार का भरोसा होगा, देख सकते हैं। तीसरा दिया आइडेंटिफाई दी लाइव टर्म, ठीक, मेंटेन दी न्यूमेरिकल सफिशिएंट ऑफ दी दो टर्म, दिए टर्म को लाइव टर्म में क्या करना है सेट करना है। तीसरा का पहला दिया क्या है 4xy, तीसरा क्या है 4xy कामा माइनस 5x square y कॉमा माइनस 3x square 3x 3yz, क्या है माइनस 3yz और ये कॉमा है 2xy square, ठीक है। इसमें चौथा में भी वही करना है, लाइक टर्म को बनाना है, जिस दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 4a, इसमें कह रहा है आइडेंटिफाई दी लाइक टर्म एंड अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ये पहला में क्या होगा देखते हैं कि यहाँ ए स्क्वायर है और यहाँ 2a स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर ये माइनस 2a स्क्वायर कर दिए, दोनों का ये वेरिएबल हो चुका है सेम है ना, ये हो जाएगा हमारा क्या लाइक टर्म हो जाएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार आपका राइट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फाइव जो दिया है राइट दी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग, नीचे दिए हुए क्वेश्चन जो भी दिया है उसका क्या करना है एक्स का कोएफिशिएंट निकालना है। छोमा का पहला दिया है माइनस 3x, इसमें एक्स का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार और निकाल सकते हैं, सातवां भी कह रहा है कि राइट दी कोएफिशिएंट ऑफ, यानी सातवां का पहला दिया है कि माइनस 3y में y का कोएफिशिएंट निकालना है, तो y का कोएफिशिएंट हो जाएगा माइनस 3, ठीक है।
इसी प्रकार हमारा आठवां भी है, आठवां भी कह रहा है राइट द न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ऑफ द फॉलोइंग नंबर। आठवां का पहला जो है दिया है एक्स वाई, इसका एक्स वाई का क्या करना है, कोएफिशिएंट निकालना है, तो एक्स वाई कोएफिशिएंट हो जाएगा 1, ठीक है। इसी प्रकार इसके बाकी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9, राइट द न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक इक्वेशन। इसमें भी क्या करना है, प्रत्येक का कोएफिशिएंट निकालना है, केवल न्यूमेरिकल का ऐसे निकालेंगे, ठीक। दसवां भी इसी करना है। और आ गया क्वेश्चन नंबर 11, जो जो क्वेश्चन है ये दिया है हमारा जो अलजेब्रिक इक्वेशन, उसमें ए बी और एक्स वाई जेड जो भी है उसकी जो भी वैल्यू हो उसको पुट करना है। जैसे 11 का जो पहला क्वेश्चन दिया है हमारा, वो दिया है कि x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू -1, y इक्वल टू -1, और जो z इक्वल टू है वो हमारा क्या है 3 है। तो ये क्वेश्चन इसका क्या है, क्वेश्चन है कि एक्स वाई वाई प्लस वाई बाई जेड प्लस जेड बाई एक्स। अब इसमें देख लीजिए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दे चुका है, इसमें एक्स वाई जेड का वैल्यू दिया है और उस वैल्यू को करना है इस एक्सप्रेशन में पुट कर देना है। इसमें एक्स का वैल्यू क्या है 2 है, यहाँ 2 कर दो, वाई वाई का वैल्यू क्या है -1 है, वाई वैल्यू क्या है ठीक, फिर प्लस यहाँ वाई का वैल्यू -1, वाई जेड का वैल्यू क्या है 3 है, प्लस जेड का वैल्यू 3, एक्स का वैल्यू 2। ये जो माइनस जो होता है ये डिनोमिनेटर में होता है, नॉमिनेटर में होता है, तो जगह -2/1 ए प्लस इनटू माइनस -1/3 ए प्लस 3/2। अब अगर ये सबका डिनोमिनेटर इक्वल तो है नहीं, ये कर सकते हैं सबका डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो हम 1, 3, 2 का एलसीएम निकालेंगे तो हमारा क्या होगा 6 होगा। अब इसके डिनोमिनेटर से एलसीएम में डिवाइड करते हैं, जितना हमें डिवाइड होता है उसके नॉमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं, 1 में 6 का 6 में डिवाइड होगा, 6 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 होगा, ठीक। फिर -3, 2 + 6, 2 + 1 = 2, प्लस 2, 3 + 6, 3, 3 = 9। अब ये माइनस के एडिंग माइनस कर लेंगे, यानी -2 - -2 - 14 हो जाएगा, प्लस ये 9, ठीक। अब प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, दो लोग माइनस कर देते हैं और जिसका साइन अधिक होता है तो साइन क्या करते हैं लगा देते हैं, ठीक। ये 40 - 9 क्या हो जाएगा 5, ये हो गया 6। और देख रहे हैं माइनस ज्यादा है या माइनस कर देंगे लगा देंगे, ठीक है। उसी प्रकार हमारा क्वेश्चन 12 भी है, ठीक, उसका भी वैल्यू कुछ दे दिया है एक्स वाई जेड, ठीक, और उसको भी सॉल्व करके पहला क्वेश्चन दिया है क्या है हमारा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड दिया है, जिसमें ए बी सी डी और एक्स वाई जेड सबका वैल्यू दिया है, ठीक है। यानी इसमें क्या दिया है, एक्स इक्वल टू 1 दिया है, y इक्वल टू -1 दिया है और z इक्वल टू 2 दिया है, z इक्वल टू 2 और a इक्वल टू -2 और b इक्वल टू 1 और c इक्वल टू -2। हम मान भरेंगे, एक और क्या दिया है -2 और इनटू f का मान क्या दिया है 1 प्लस b का मान कितना दिया है 1 इनटू y का मान कितना दिया है -1 प्लस c का मान कितना दिया है -2 इनटू z का मान कितना दिया है +2। ये माइनस इनटू प्लस -2 हो जाएगा, ये -2 इनटू 1 -2 और प्लस ये है प्लस इनटू माइनस -1 इनटू 1 1 हो गया, ठीक। फिर प्लस इनटू माइनस माइनस हो जाएगा, क्या 2 2 = 4 हो जाएगा। अब देखो 2 ये -1 और -4 -5 हो जाएगा, दोनों को माइनस करेंगे 3 होगा, लेकिन माइनस साइन ज्यादा है तो क्या हो जाएगा ये -3। इसी प्रकार पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। इसमें
पूरा एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, जो भी प्रॉब्लम होगा उसको कमेंट करेंगे, उसको अगले वीडियो में आप लोग तक शेयर किया जाएगा।